भारत देश, जहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने लंकापति नरेश रावण का वध किया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है और आज भी इस धरती पर मौजूद है, तो आप कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। आप जानना चाहते हैं वो कहां है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण कैसे आज भी जिंदा है। रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी था या नहीं, क्योंकि किसी को भी रावण के अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ। अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका शव आज भी सुरक्षित है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको वह सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि रावण जिंदा है। रिसर्च की माने तो रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। जी हाँ, ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में इस बात को भी बताया गया कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ किया करता था। 8000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। घने जंगल और खूंखार जानवरों होने की वजह से इस गुफा में आज तक कोई नहीं गया। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने के नशे के कारण विभीषण ने रावण के शव को बिना दाह संस्कार के छोड़ दिया। उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शरीर को अपने साथ ले गए। वह शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण तपस्या किया करता था। राक्षसों ने विभिन्न विधियों से जीवित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो जिंदा हो जाएगा। रिसर्च का कहना है कि रावण की मम्मी रेगला की गुफा में सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस ताबूत में रावण का शव रखा है उसको एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मम्मी को एक खास किस्म का लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण के शव को तैयार किया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैव संप्रदाय से था। ऐसा कहा जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का खजाना भी दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था, जो आखिरकार उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने प्रभु राम की पत्नी सीता का हरण किया। बहुत समझाने पर वह नहीं माना तो रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के बहुत शक्तिशाली सेना होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण वह मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहां के चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। अब जानते हैं रावण से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। रावण एला नामक का एक झरना है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एला वॉटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है
जिसे रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह श्रीलंका के बांद्रा वेला से 11 किलोमीटर दूर है। इस झरने को देखने के लिए लाखों लोग आज भी श्रीलंका आते हैं। कहते हैं रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। उसके भी अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसी महल को बजरंगबली ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। तो दोस्तों, अब आपने तो सुनी लिया होगा कि कितने सारे फैक्ट्स के बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मम्मी आज भी उसी पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे में ये होना तो तय है कि क्या पता कलयुग के अंतिम क्षणों में रावण फिर से जिंदा हो और इस बार उनका खात्मा करने के लिए भगवान श्री हरि को कल की अवतार लेना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।